नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एग्री ताल में। 500 प्लस वन लाइनर ऑफ फार्म पावर के 250 वन लाइनर हम लोग पीछे वीडियो में देख लिए हैं। यह 250 वन लाइनर हम पांच पार्ट में देखे हैं। आज हम लोग 500 प्लस वन लाइनर ऑफ फार्म पावर का पार्ट 6 देखेंगे। अगर आपने पीछे पांच पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे दिए गए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस पर क्लिक करके पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 पूरा देख लें। तो शुरू करते हैं 500 प्लस वन लाइनर ऑफ फार्म पावर का पार्ट 6। 251 है, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट इज ग्रीस। ग्रीस सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है। नेक्स्ट 252, इफ़ द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज़ हाई देन फ्लो विल बी स्लो। अगर फ्लूइड की श्यानता अधिक होगी तो फ्लो स्लो होगा। नेक्स्ट 253, लुब्रिकेशन ऑयल्स आर रेटेड बाई विस्कोसिटी। लुब्रिकेशन ऑयल विस्कोसिटी के द्वारा रेट किया जाता है। नेक्स्ट 254, ग्रीस इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन द यूनिवर्सल कपलिंग बियरिंग्स। ग्रीस का इस्तेमाल एज अ लुब्रिकेंट किया जाता है यूनिवर्सल कपलिंग और बियरिंग्स में। अगला 255, टाइप ऑफ पंप इज यूज्ड इन लुब्रिकेशन सिस्टम गियर टाइप। गियर टाइप पंप का इस्तेमाल लुब्रिकेशन सिस्टम में होता है। अगला 256, क्रैंक केस ब्रीदर इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वाटर फ्रॉम क्रैंक केस। क्रैंक केस ब्रीदर का इस्तेमाल पानी को निकालने में क्रैंक केस से होता है। अगला 257, इन फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम द गियर यूज्ड इज हेलिकल गियर स्पर गियर। फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम में हेलिकल गियर और स्पर गियर का इस्तेमाल होता है। अगला 258, ऑयल फिल्टर ऑफ ट्रैक्टर इंजन इज जनरली चेंज्ड आफ्टर 120 आवर्स ऑफ वर्क। ट्रैक्टर का ऑयल फिल्टर 120 घंटे काम के बाद बदल देना चाहिए, यह काम इंजन का होगा। यह क्वेश्चन नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में पूछा गया है। अगला 259, द एलिमेंट्स ऑफ ऑयल फिल्टर आर क्लॉथ एंड फेल्ट पेपर थिन मेटल प्लेट। ऑयल फिल्टर कपड़ा या ऊनी कपड़ा या कागज या थिन मेटल प्लेट से बनाया जाता है। अगला 260, द क्रैंक केस ब्रीदर फिल्टर इज मोस्टली मेड ऑफ ऑयल वेटेड स्क्रीन। क्रैंक केस ब्रीदर अधिकतर गीले स्क्रीन से बनाया जाता है और यह स्क्रीन ऑयल से गीला किया जाता है। नेक्स्ट है 261, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट एडॉप्टेड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन ऑयल्स इन द ईयर 1952। इंजन ऑयल का वर्गीकरण अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के द्वारा 1952 में किया गया था। अगला 262, ML लाइट सर्विस, MM मीडियम सर्विस एंड MS सर्व सर्विस आर सर्विसेज क्लासेस फॉर द SI इंजन। MM लाइट सर्विस, MM मीडियम सर्विस और MM सर्व सर्विस यह स्टीम इंजन के सर्विस क्लासेस होते हैं। अगला 263, DG जनरल सर्विस, DM मॉडरेटली सर्विस एंड DS वेरी सर्व सर्विसेज आर सर्विस क्लासेस फॉर द डीजल इंजन्स। DG जनरल सर्विस, DM मॉडरेटली सर्विस और DS वेरी सर्व सर्विस यह डीजल इंजन के सर्विस क्लासेस हैं। अगला 264, DG एंड MS ऑयल्स हैव हाई एडिटिव कॉन्टेंट्स विच हेल्प इन कीपिंग इंजन क्लीन।
डीजी और एमएस ऑयल में हाई एडिटिव कंटेंट होते हैं जो कि इंजन को साफ रखने में मदद करते हैं। अगला 265, इफ डीजल फ्यूल कंटेंट्स हाई सल्फर कंटेंट्स विच हेल्प इन कीपिंग इंजन क्लीन। अगर डीजल फ्यूल में सल्फर कंटेंट की मात्रा अधिक होगी तो वह इंजन को साफ रखने में मदद करेगा। अगला 266, ल्यूब्रिकेशन रिड्यूसेस वियर एंड टीयर एब्रेसिव एलिमेंट्स नॉइज़। ल्यूब्रिकेशन से वियर और टीयर एलिमेंट का रगड़न और अप्रिय नॉइस कम होता है। नेक्स्ट 267, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। ऑयल की श्यानता उसके फ्लो के प्रतिरोध क्षमता से नापी जाती है। अगला 268, से वोल्ट यूनिवर्सल सेकेंड्स इज रिलेटेड विथ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। से वोल्ट यूनिवर्सल सेकेंड का संबंध विस्कोसिटी ऑफ ऑयल से होता है। अगला 269, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज एक्सप्रेस्ड एट टू टेम्परेचर आर -18 डिग्री सेल्सियस एंड 99 डिग्री सेल्सियस। ऑयल की श्यानता दो टेम्परेचर पे एक्सप्रेस होती है, -18 डिग्री सेल्सियस पे और 99 डिग्री सेल्सियस पे। अगला 270, विस्कोसिटी इज मेजर्ड इन सेंटीस्टोक्स सेंटीपोइजेस रेडवुड सेकेंड्स। श्यानता सेंटीस्टोक्स सेंटीपोइजेस और रेडवुड सेकेंड्स में मापी जाती है। अगला 271, स्मॉलर चेंज इन विस्कोसिटी ऑफ ऑयल विथ टेम्परेचर इंडिकेट्स हाई विस्कोसिटी इंडेक्स नंबर। विस्कोसिटी ऑफ ऑयल में अगर थोड़ा भी चेंज होगा टेम्परेचर के साथ तो वह हाई विस्कोसिटी इंडेक्स नंबर को इंडिकेट करेगा। अगला 272, द वेरिएशन इन विस्कोसिटी ऑफ ऑयल विथ चेंज इन टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी ऑफ ऑयल में वेरिएशन टेम्परेचर के चेंज के अनुसार विस्कोसिटी इंडेक्स में मापा जाएगा। अगला 273, द डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व लुब्रिकेटिंग ऑयल का हाइड्रोमीटर और स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल से निर्धारित किया जाता है। अगला 274, विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल इज मेजर्ड बाय विस्कोमीटर। लुब्रिकेशन ऑयल की विस्कोसिटी विस्कोमीटर से मापते हैं। यह नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में आया है। अगला 275, फॉर इंजन बीरिंग्स अ टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम एडॉप्टेड इज ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन, विक लुब्रिकेशन, रिंग लुब्रिकेशन। इंजन बीरिंग के लिए जो लुब्रिकेशन सिस्टम अपनाए जाते हैं वह ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन, विक लुब्रिकेशन और रिंग लुब्रिकेशन होते हैं। अगला 276, फॉर इंजन पार्ट्स अ टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम एडॉप्टेड इज स्प्लैश लुब्रिकेशन, प्रेशर लुब्रिकेशन, पेट्रोल लुब्रिकेशन। इंजन पार्ट के लिए जो लुब्रिकेशन सिस्टम अपनाए जाते हैं वह स्प्लैश लुब्रिकेशन, प्रेशर लुब्रिकेशन और पेट्रोल लुब्रिकेशन होते हैं। अगला 277, वीक लुब्रिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सीफोन लुब्रिकेटर। वीक लुब्रिकेशन को सीफोन लुब्रिकेटर भी कहते हैं। अगला 278, रिंग लुब्रिकेशन सिस्टम जनरली यूज्ड इन हॉरिजॉन्टल बेयरिंग्स। रिंग लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल हॉरिजॉन्टल बेयरिंग में होता है। अगला 279, पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम जनरली यूज्ड इन टू स्ट्रोक इंजन। पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम दो स्ट्रोक इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। अगला 280, अ टाइप ऑफ लुब्रिकेटर यूज्ड इन स्टीम इंजन्स इज हाइड्रोस्टैटिक टाइप मैकेनिकली ऑपरेटर लुब्रिकेटर। स्टीम इंजन में जिस
लुब्रिकेटर का इस्तेमाल होता है वह हाइड्रोस्टेटिक टाइप का और मैकेनिकली ऑपरेटर लुब्रिकेटर होता है। अगला 281, पर्पज़ ऑफ कूलिंग इज़ टू मेंटेन द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ इंजन टू डिसिपेट हीट फॉर प्रोटेक्शन। कूल करने का पर्पज़ यह होता है कि इंजन के टेम्परेचर को अनुकूलतम रखा जाए और जो अधिक हीट है उसे बाहर निकाला जाए जिससे इंजन का प्रोटेक्शन हो सके। अगला 282, एयर कूल इंजन हैज़ फिन्स। एयर कूल इंजन में पंखे होते हैं। अगला 283, एयर कूलिंग सिस्टम जनरली फाउंड इन सिंगल सिलेंडर इंजन। एयर कूलिंग सिस्टम सिंगल सिलेंडर इंजन में ज़्यादातर पाए जाते हैं। अगला 284, इन द एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर इज नॉर्मली इनक्लोज्ड इन अ सीट मेटल केसिंग इज कॉल्ड कॉलिंग। एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर सीट मेटल केसिंग के अंदर बंद होता है जिसे हम कॉलिंग कहते हैं। कॉलिंग का हिंदी मीनिंग इंजन का ढक्कन होता है। अगला 285, द डिसएडवांटेज ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम इज अनइवन कूलिंग ऑफ इंजन पार्ट। एयर कूलिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज यह है कि यह असमतल कूलिंग करता है, एक प्रकार से कूलिंग नहीं करता है। अगला 286, द फैन ऑफ रेडिएटर इज ड्रिवन विद द हेल्प ऑफ वी बेल्ट। रेडिएटर का पंखा वी बेल्ट के द्वारा चलित होता है। अगला 287, द फैन ऑफ रेडिएटर इज ड्रिवन बाय कैमशाफ्ट। रेडिएटर का पंखा कैमशाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। अगला 288, इन वाटर कूल्ड इंजन्स द वाटर पंप इज यूज्ड इज सेंट्रीफ्यूगल टाइप। वाटर कूल्ड इंजन में जिस वाटर पंप का इस्तेमाल होता है वह सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है। अगला 289, इन वाटर कूल्ड इंजन्स वाटर पंप इज कनेक्टेड विथ रेडिएटर। वाटर कूल्ड इंजन में वाटर पंप रेडिएटर से कनेक्ट होता है। अगला 290, इन रेडिएटर हॉट वाटर फ्लोस एट द टॉप। रेडिएटर में गर्म पानी ऊपर से फ्लो करता है। अगला 291, रेडिएटर इज जनरली फैब्रिकेटेड एज ट्यूबुलर टाइप सेलुलर टाइप। रेडिएटर जनरली ट्यूबुलर टाइप और सेलुलर टाइप से बना होता है। अगला 292, हनीकम टाइप रेडिएटर इज आल्सो नोन एज सेलुलर टाइप। हनीकम टाइप का रेडिएटर सेलुलर टाइप भी कहलाता है। अगला 293, थर्मोस्टेट वॉल्व इज यूज्ड इन वाटर कूल्ड इंजन। ताप स्थायी वॉल्व वाटर कूल्ड इंजन में इस्तेमाल होता है। अगला 294, थर्मोस्टेट वॉल्व बिगेंस ओपन एट 70-75 डिग्री सेल्सियस। ताप स्थायी वॉल्व 70-75 डिग्री सेल्सियस पे खुलना शुरू हो जाता है। अगला 295, इन पेट्रोल इंजन्स थर्मोस्टेट वॉल्व फुल्ली ओपन्स एट 82 डिग्री सेल्सियस। ताप स्थायी वॉल्व पेट्रोल इंजन में 82 डिग्री सेल्सियस पे पूरा खुल जाता है। अगला 296, इन डीजल इंजन्स थर्मोस्टेट वॉल्व फुल्ली ओपन्स एट 88-90 डिग्री सेल्सियस। डीजल इंजन में ताप स्थायी वॉल्व 88-90 डिग्री सेल्सियस पे पूरा खुल जाता है। दोस्तों, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगला है 297, द लिक्विड यूज्ड इन बेलोज टाइप थर्मोस्टेट इज नोन एज अल्कोहल और ईथर। जो लिक्विड बेलोज टाइप थर्मोस्टेट में इस्तेमाल होता है वह अल्कोहल और ईथर होता है। अगला 298, इन फोर्स फीड कूलिंग सिस्टम थर्मोस्टेट वॉल्व बिगेंस टू ओपन एट 74 डिग्री सेल्सियस। फोर्स फीड कूलिंग सिस्टम में ताप स्थायी वॉल्व 74 डिग्री सेल्सियस पे खुलना शुरू हो जाता है। अगला 299, थर्मोस्टेट वॉल्व वाइडली ओपन्स एट अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस।
थर्मोस्टेट वाल्व व्यापक रूप से 80 डिग्री सेल्सियस पे खुल जाता है। अगला 300, इन मोस्ट ट्रैक्टर इंजन्स अ कूलिंग सिस्टम यूज्ड इज प्रेशर कूलिंग। अधिकतर ट्रैक्टर इंजन में प्रेशर कूलिंग एज ए कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। आशा करते हैं कि आपको 500 प्लस वन लाइनर ऑफ फार्म पावर का पार्ट 6 पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। एग्रीकल्चर की वैकेंसी, एडमिशन और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।